वहीं जम्मू कश्मीर कोऑर्डिनेशन समिति ने श्रीनगर में लाल चौक पर घंटा घर के पास में एक घंटे तक मूक प्रदर्शन किया। धारा 370 और 35A के खिलाफ उठने वाली आवाजों से नाराजगी जताई है। आपको बता दिया जाए, मूक प्रदर्शन में कई व्यापार संगठन और अन्य दलों ने भी हिस्सा लिया है। इस मौके पर व्यापार संगठन के अध्यक्ष फैयाज बट ने ये कहा है कि वो किसी भी कीमत पर धारा 370 और 35A के खिलाफ उठने वाली आवाजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि इससे जम्मू कश्मीर में व्यापारियों को नुकसान होगा और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की आर्थिक स्थिति को भारी नुकसान पहुंचेगा और वो चाहते हैं कि सरकार इन धाराओं के साथ छेड़छाड़ ना करे। ये एक अकाशी हमने यहाँ पे जो की आज इस चीज़ की है कि जो 370 पे आए दिन सरकार जो इस पे अटैक कर रही है, कहीं से 35A आर्टिकल के हवाले से, कहीं से 5 आर्टिकल के हवाले से, कहीं 101 के हवाले से, ये सारी मत जो है ये 370 को मजबूती के लिए है। लेकिन ये जो सरकार है ये अब करती, ये एक तरह से इस 370 आर्टिकल को ख़त्म करना चाहती है और ये यहाँ जो गैर रियासती बाशिंदे हैं ये इनको यहाँ पे परमानेंट जो स्टेट सब्जेक्ट है उसके हवाले से काम कर रहे हैं। लेकिन इससे हमारी परेशानी होगी, जो हमारी तशखुस शख्सियत है कश्मीरियों की वो ख़त्म हो जाएगी और ये यहाँ पे बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर ये 35A आर्टिकल ख़त्म हो गया और ये यहाँ बिजनेस भी कर सकते हैं और यहाँ ये ज़मीन भी खरीद सकते हैं और ये यहाँ के जो हमारे कारोबारी उमूरात है उसमें भी ये हिस्सा लेंगे, लिहाजा उससे हमारी जो इकनॉमी है वो ख़त्म हो जाएगी और हमारा तशखुस भी ख़त्म हो रहा है, लिहाजा हमें कभी होने नहीं देंगे।